फ्रीडम तो टीचर को होनी चाहिए। बेसिक्स में आपको लड़के जो फ्रेशर्स हैं सिंथेसिस में डिस्कनेक्शन पा रहा है कार्बन कार्बन सीएस एंड ऑन द अदर साइड्स कार्बन वन टू फोर टाइप्स के हैं। एक तो सीसी मतलब सीसी मतलब सी के सी के बीच का क्लेवेज और सीएस में सी के एक्स के बीच में है और नॉर्मल वन टू वन थ्री और वन फाइव इट अदर सीस। अब सपोज करें कि यू आर टेकिंग द आईएक्स थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लीजिए। बताओ क्या समझ रहे हो इससे? कुछ नहीं है। आर एक्स तो जानती हो ना, आर क्या है? तो उसी को बोल रहा है कि सी एक्स। मैंने लिखा ना सी एक्स माने सी से एक्स ब्रेक हो रहा है और ये एक्स ब्रेक हुआ तो क्या निकलेगा सी और ये क्या एच क्यू कर रहा है एसडी प्रोटॉन कर रहा है। अगर आर लेता तो आर प्लस भी कर सकता था और ये आर वाई वाई को भी एक सब्स्टिट्यूट मान रहा है तो वाई इसमें भी कोई एक्स की जगह हो सकता है। अगर मान लो थोड़े देर के लिए एग्जाम्पल लेके मैं बता दूंगा जो लोग न्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा एक अच्छी मिल जाए। क्या इसमें हिडन है कोई बताएगा? वाई कहां से आ रहा है? रिएक्शन तो दिख रहा है सब सब रिएक्शन थोड़ी ना जो भी डिस्कनेक्शन है जो भी कोई रिएक्शन तो नहीं मतलब ब्रेकेज तो हो रहा है ना तो वाई कहां से आ रहा है? उसके बाद जो है आरसीओ प्लस बना फिर उसके बाद उसकी रिएक्शन जो है y माइनस से कराई गई होगी तो फिर आरसीओ वाई वाई माइनस से कराई गई और एचवाई से एचवाई से कराई और फर्स्ट में भी वही एच वाई है तो एच वाई किस टाइप का नेचर होगा? एसिडिक नेचर का होगा तो ये कर रहा हो तो हमारा पर्पज ये नहीं है। हमारा पर्पज क्लेवेज से डिस्कनेक्शन से इसमें क्या डिस्कनेक्ट हो रहा है? सी एक्स हो रहा है तो ये हमें इस तरह से दिखाना पड़ेगा बेसिकली। तो ये रिएक्शन है और एक अगर बेसिक और आपको बताया जाए तो पर्पज क्या जिसे सपोज करते हैं हम लोग मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन है कोई कंपाउंड आपको ले लूं जैसे कि
वीट किलर ले लूँ एक खंड छोटा सा, ये तो जरूरत है इसको भी रहने तो वन फोर क्यों नहीं होता अभी बता रहा हूँ वन बाई वन। सपोज करो कि ये कंपाउंड है आपका, ये कोई कंपाउंड हो, दो पार्ट है इसमें, एक एनालिसिस और एक सिंथेसिस। जो भी बता रही थी मैडम सपोज दैट यू आर टेकिंग ए कंपाउंड, कोई ले लीजिए इरिडियम। लिख लीजिए तो मैं उसको स्कैन कर लूँ, अगर मैं कर लूँ कर लिया। अच्छा ये क्या है, कैसा नेचर इसकी फॉर्म का है? क्या आपका नाम क्या है? मास विशाल आवाज आ सके आपका। प्रीति ये कैसा नेचर इसका? नहीं इसमें मतलब क्या, ये क्या है? अरे भाई कैसी बात, CH2 है इतना आप लोग छोटे छोटे चीजें फिर कैसे करोगे? लिखा गया है ना CH2 है। ये क्या है? अब बताइए क्या है? एस्टर। और ये CO क्यों लिखा है इस पे? ब्रेक हो रहा है CO। ये कैसे बना, ये OH और ये क्या बना, क्या क्या इन्वॉल्व हुआ इसमें? और इसको क्या है? कीटोन है, केस्टर है, कीटोन होगा ना। और ये एल्कोहलिक ग्रुप का। अच्छा और ये क्या बोलेंगे इसको? फंक्शन ग्रुप का सब नाम क्लियर होना चाहिए, क्विज़ जो बनेंगे इसी साथ में सुन लेंगे। ये क्या है? बेंजोइल क्लोराइड्स। और ये पिरिडीन, पिरिडीन फॉर्मूला मालूम है क्या होता है? जो चीज लिखी होनी चाहिए तो हमें आनी चाहिए, माने सर लोग तो उतना नहीं, लेकिन आप लोग तो जब पिरिडीन बेस होता है नहीं, स्ट्रक्चर क्या हो, क्या कंपाउंड नाम क्या? C5H5 सही है, स्ट्रक्चर सही है। कैसा नहीं चलता पिरिडीन? एरोमेटिक बेस है कि एसिड? बेस है। क्यों बेस है? नाइट्रोजन है पास बॉन्ड पे। डॉक्टर साहब लोग थोड़ा बहुत पता, आप लोग बताओ, बिगिनर हो तो
एनएलसी सिस्टम फेस से आप क्या समझते हो, डिस्कनेक्शन के की फीचर्स है? और ये क्या है टीएम? जनरली हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो पहले सिंथेसिस करते हैं, हाँ, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी फिजिकल या केमिकल लिखते हैं, और यहाँ उल्टा लिख रहे हैं। टीएम मीन्स, आप लोग को मैडम याद है टीएम? पढ़ाते नहीं आप क्लास में? नहीं पढ़ाते हैं सर, ये पढ़ाते नहीं। अच्छा, आप डॉक्टर सर अभी नहीं पढ़ाते हैं, तो हम फिर आप लोग को फिर ढंग से बताएं। ये टीएम मीन्स होता है टारगेट मालिक्यूल, तो स्टार्टिंग इज द टारगेट मालिक्यूल। हमने टारगेट मालिक्यूल लिख दिया डिस्कनेक्शन के, मतलब उल्टा चलते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, होता है इसमें पहले सिंथेसिस ना क्या करते हैं, कोई ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं जिसको हम डिस्कनेक्ट करते हैं, और डिस्कनेक्ट करने के बाद उसको फिर प्रिपेयर करते हैं, तो इसलिए पहले उसको एनालिसिस बोलते हैं और आफ्टर दैट क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। तो वी आर टेकिंग द टारगेट मॉलिक्यूल, एक एस्टर ले लिया और इसको ब्रेक करके एक एल्कोहलिक कंपाउंड एक कीटोनिक कंपाउंड बनाया। अब इसमें ध्यान देने वाले भी इसपे आपको है कि इन दोनों में से मोस्टली जितने ऑर्गेनिक डिस्कनेक्शन उसमें से इन दोनों में से किसी एक को लेना है और उससे ही आपको टारगेट मॉलिक्यूल बनाना है, ज्यादातर केसेस में। बहुत कम ऐसे केसेस जो कि फॉरेन मॉलिक्यूल को हम लें, तो इसमें ये मॉलिक्यूल ले लिए पीएच क्या ले लिए और ये पीएच सीओएच, तो ये टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कैसे बनेगा बताओ, कौन बताएगा? ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बोनल के ऊपर अटैक करेगा तो फिर क्लोराइड निकल जाएगा, छोटी चीज है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आपको जब ना समझ में आए क्योंकि डिस्कनेक्शन में डॉक्टर साहब हमने जो रियलाइज किया हमारे एमएससी में भी चलता है, वो बच्चे ये सब जो लिख देते हैं इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जब कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो ऑलवेज राइट इन स्टेट चेंज। तो स्टेट चेंज यू कैन राइट पीएच सीएच टू ओएच, और इसको भी अगर ऐसे लिख दिया जाए पीएच, इसको भी स्टेट चेंज लिखिए, हो जाएगा पीएच सीओ सीएच। अब ये क्या बना पीएच टू सीएच टू ओ सी डबल ओ पीएच, तो टारगेट मॉलिक्यूल क्या है? यही है कि दूसरा है, दूसरा हो गया। तो एक सिंपल स्टेप से तो तीन चार चीजें इसमें इन्वॉल्व होगी, क्या क्या इन्वॉल्व हुआ बताओ, क्या क्या हुआ? एक तो सी एक्स डिस्कनेक्शन हुआ, एक से क्या मतलब है, एक से कोई लिविंग ग्रुप हेलो ग्रुप ऑक्सीजन का, वो मैं लिखवा दे रहा हूँ अभी, नोट करा दे रहा हूँ इसको। तो एक को डिस्कनेक्शन किया और मैंने कोई टारगेट मॉलिक्यूल लेके उसको डिस्कनेक्ट करके दो डिफरेंट कंपाउंड बनाए, और उन्हीं दोनों कंपाउंड में से किसी एक को लेके जो है हमने क्या बनाया उसकी, फिर उसकी टारगेट मॉलिक्यूल को रीजनरेट कर दिया। तो इसलिए डिस्कनेक्शन है क्योंकि आप कोई कंपाउंड आप लेते हो और कोई चीज की सिंथेसिस होती है लेकिन वो क्या होती है फिर बेकार हो जाए, उसका दूसरा कन्वर्जन तो नहीं होता, तो इसलिए डिस्कनेक्शन का काफी आजकल का बर्निंग टॉपिक है कि आपने भाई एक मॉलिक्यूल लिया उसको डिस्कनेक्ट किया और फिर उसी को रीजनरेट कर दिया। तो जैसे रेजिंस वगैरह में करते हैं या आप वाटर ट्रीटमेंट में देखते होंगे आयन एक्सचेंज प्रोसेस है, तो जितने भी फिर जितना भी आयंस बना रेजिंस बना फिर रीजनरेशन हो गया। तो जैसे हम कोई प्लांट लेते हैं, जैसे मान लीजिए वाटर ट्रीटमेंट में हम लोग फिल्टर घर में लगाए हैं तो रीजनरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन बड़े बड़े यूनिट्स में आजकल जनरेशन करते हैं, आप लोग शायद पढ़े होंगे किसी को नॉलेज होगा वाटर ट्रीटमेंट में, तो आयन एक्सचेंज से करते हैं, कैटायनिक बनाते हैं, एनायनिक रेजिंस बनाते हैं, और एक और प्रोसेस है जो सैंड से बनता है वो, उसमें तमाम तरह की रीजनरेशन होता है। एक बेड बना दिया उसको कैटायनिक बना दिया फिर पास दिया फिर एनायनिक बन गया फिर उसको एनएसीएल किया तो फिर रीजनरेट हो जाता वही बेड, तो प्रोसेस लास्ट नहीं होता है। और जो फिल्टर वाले हैं सिंपल वाले तो उसको डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो रीजनरेशन का इंपॉर्टेंस यहाँ है। अब हमें देखना है कि अगर नोट कराते कुछ आप लोगों की फीचर्स इसका, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ये आप लोग पढ़ लो, कुछ की फीचर दो चार नोट कर लेते तो ठीक रहता है कि नोट्स में हो जाए। तो हमें जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं एक और रिएक्शन लिख देता हूं,
ये दरअसल कुछ डॉक्टर साहब इसको ऐसे आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि ये जो है इस कंपाउंड को मतलब ऐसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसका एक एक मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को मत हटाइएगा। ये कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इंसेक्ट रिपेलेंट, तो ये आप लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में आप पूछेगा ना तो कि कंपाउंड्स का नाम क्या, तो ये कंपाउंड जो है उसका जो एस्टर तो कॉमन नेम हो गया या यूपीएससी आप लिख सकते हैं, तो ये जो कंपाउंड है एस्टर थ्री जो है दैट इज एन इंसेक्ट रिपेलेंट। इंसेक्ट रिपेलेंट तो समझ रहे हो, बायो मैथ क्या मतलब, क्या मतलब निकला, हटाता है इंसेक्ट मतलब स्प्रेड कर दो इंसेक्ट। और इसी तरह एक जो है एक कंपाउंड और लिख दे तब फिर बताते हैं इसको, तो ये आप लोगों को दिखाता हूँ। ज़्यादातर मेडिसिनल पर्पज इसी में साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो सब जगह पढ़ाया भी जा रहा है। वीट किलर, चाहे तो आप वहीं पर नोट डॉक्टर साहब लिख लो, द कंपाउंड इज यूज्ड इन राइस फील्ड तो हम देखें This is an amide we disconnect into a into an amide तो है into an amine and acid chloride. Amide कैसे है? कौन बताएगा? बताओ भाई आप लोग, आप लोग अक्सर नहीं बताया करो, आप लोग सब जानते हैं, अब बताओ आप लोग amide कैसे है? इसको पूरे को क्या मान रहे हो आप लोग? NH2 मान रहे हो, और ये प्राइमरी कंपाउंड क्या होगा इसका, थोड़ा डिस्कस करने हो, थोड़ा देखिए आगे कितना आता है, ये पेरेंट्स कंपाउंड इसका क्या होगा बताओ लड़कियाँ, प्रीति और अब भी टीचिंग करती हैं नहीं, तो बताओ ये प्राइमरी कंपाउंड क्या रहा होगा, ये तो यहाँ पर क्या होगा CH3CH2CO NH2 तो पेरेंट्स कंपाउंड ये रहा होगा, ये रहा होगा, किसका डेरिवेटिव है अगर हम ये कहें, अब हम ये कहें कि ये वाला, तो ये वाला और इसके पहले क्या रहा होगा,
कोई स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहा होगा? अर्गेनिक का तो एक कांसेप्ट है, अमीन होगा, अमीन है। रुकिए रुकिए, और तो पहला डायरेक्टर कौन है? ये क्या इसको हटा दो, ये क्या एनिलीन है कि कुछ और है? एनिलीन है, एनिलीन का डेरिवेटिव है। क्या हो जाएगा अगर नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4 क्या होगा इसका नाम? डाइक्लोरोएनिलीन। तो फ्रेंड्स कंपाउंड एनिलीन होगा, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि एमाइड, तो एमाइड का डेरिवेटिव है, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका डेरिवेटिव पहले कौन रहा होगा? ये बना होगा कि ये बना होगा? कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अच्छा ये अगर NH2 रहा होगा, ये कंपाउंड तो ये रहा होगा है? ये रहा होगा, कुछ बनेगा इसमें? ये डेरिवेटिव लेने क्या रिएक्शन हुआ होगा बिफोर दैट? अब ये नाइट्रोजन जो है CO पे अटैक करेगा, कौन बताएगा मैकेनिज्म? बताइए आप। सर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो CO पर अटैक करेंगे कार्बोनिल ग्रुप के, और फिर वाटर रिलीज। ये यही होगा या कुछ और रहा होगा? पहले तो यही जान डिस्कस करते हैं, ऐसा कुछ रहा होगा या कुछ और रहा होगा? एसिड रहा होगा ये? OH की जगह हम लोग कोई और फंक्शन, OH की जगह Cl ले सकते हैं, या फिर एसिड के प्रेजेंस में ले लेते हैं तो OH अच्छा लेविंग ग्रुप बन जाएगा। तो ये रिएक्शन हुआ होगा, पॉसिबल है आपके लिए? यहाँ OH माइनस निकलेगा तो यहाँ क्या छोड़ जाएगा? एसिडिक कंडीशन में ये पॉसिबल है। यहाँ OH निकलेगा तो प्लस छोड़ जाएगा, और यहाँ CH निकलेगा तो क्या छोड़ जाएगा? CH पॉसिबल, बताओ आप लोग, तो सिंपल है। NH2 में CH निकलेगा तो क्या एंटर चार्ज हो जाएगा? ये रिएक्शन होने के लिए यहाँ से एलिमिनेशन तो होगा ना, तभी तो रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वही अटैक करेगा। तो यहाँ माइनस चार्ज होगा ना? नहीं, माइनस चार्ज नहीं है सर, वो न्यूट्रल चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। वो तो ठीक है, लोन पेयर की बात कर रहे हो ना? माइनस चार्ज है, वही लोन पेयर अटैक करेगा। तो यहाँ से अगर और खोल दे रहे हैं, यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा तो यहाँ क्या चार्ज हो जाएगा? माइनस चार्ज हो जाएगा। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये रिएक्शन होगा या लोन पेयर से होगा? लोन पेयर से, नॉन बॉन्डिंग। तो लोन पेयर से होगा, एच का रिमूवल कैसे होगा बाद में? लोन पेयर को बैलेंस करने के लिए क्या मैकेनिज्म होगी? तो पहले लोन पेयर अटैक करेगा, माइनस फिर एच, फिर एक कार्बन पे दो ओ एच स्टेबल नहीं होते हैं, देन वाटर रिलीज। बताइए डॉक्टर साहब लोग, आप एसाइल क्लोराइड हो सर, उस पर ये एमीन अटैक कर सकता है, दूसरा एसिडिक कंडीशन नहीं हो सकता सर। अगर बेसिक मीडिया है तब वो एनाइल अटैक करके बेसिक हटा सकता है। ये दोनों कंडीशन है, ये भी हो सकता है कि एच निकल जाने पर चार्ज होगा, यहाँ से बॉन्डिंग कर रहा है, ये वो किया है, एन से ही तो बॉन्डिंग है ना, क्यों क्या नाम है आपका प्रीति? एन से बॉन्डिंग है, एच से किसे बॉन्डिंग है? अरे भाई अनर्थ नहीं कर रहे हैं, क्यों एच से नहीं है? ये तो बड़ा इजी है, आप ये भी कर रहे हो, आप तुम बताओ। उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो एन से बॉन्डेड है, लिखा हो से गया है पर एन से बॉन्डेड है ना, तो कहते हैं इसको ऐसे लिखना चाहिए, इसी से तो इतना चीज थोड़ी नहीं है, ऐसे मैकेनिज्म ऑपरेशन तो नहीं आ रहा है। सर लोग अगर मान लो छोड़ दो आप लोग, तो पढ़िए सर मैकेनिज्म, पढ़ाने के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, आप लोग टीचर उचर बन जाओगे तो।
लिख ली, निकलो बताओ। साइलेंट में रखा लो मेरी गाड़ी भरी। बताने के लिए तो टीचर आता है कोई, कोई सब बराबर भी है। हैं? किस कॉलेज से? मिसी कांस के। पढ़ाई हुई है रेगुलर? बनी है, मैंने डीडीएस से की थी बट कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फिर थोड़ा पेंडिंग करना पड़ा। अच्छा, पढ़ाई रेगुलर होती है वहाँ? नहीं क्या? तो जब डीडीएस में पढ़ रहे थे तब तो की थी, मतलब वहाँ तो चलती है पढ़ाई बट वहाँ पर जाकर थोड़ा नहीं आपने कुछ की बात है? पेंडिंग रहा है, थोड़ा नहीं पढ़ा। एनीवे चलो, समझ गया तुम्हारी प्रॉब्लम। पढ़ना पड़ेगा फिर, ठीक है? कोई बात नहीं, आएगा तो हमसे पूछ लेना सर। और भी जो सब्जेक्ट में नहीं आएगा मैं यही बैठता भी हूँ, क्योंकि टेस्ट बहुत टफ होता है। इसके पहले वाले में बहुत बच्चे फेल हो गए, आधा बच्चे फेल हो गए, फिर छह महीना कोर्स चला उनका 2017 में, फिर पढ़े लो सब, क्वालिफाई तो कर गए किसी तरह डॉक्टर, लेकिन फिर चल नहीं पाते, सिलेबस बहुत लेंदी है। ये सीएम कहाँ से? सीओ प्लस को ना, तो फिर उसको प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए सीएल माइनस लिखते हैं। एक चीज यहाँ पर हमेशा हिडन है रिएक्शन, आप देख लीजिएगा हर जगह हिडन है, आपको इस थिंक करना है कि क्या लगाना है। ये तो एनएच2 लग गया, कौन सा बांड लिखा हुआ है यहाँ? सीएम तो लिखी रहा है, सी फ्रॉम हियर। कोई बता सकता है कि यहाँ वाला सी क्यों नहीं, ये सी एन क्यों नहीं ब्रेक हो रहा? इसीलिए कह रहा था मैं, थोड़ा नोट कर रहा कि क्वेश्चन बनेगा, वहां भी तो कार्बन है। नाइट्रोजन का लोन पर सर बिजनेस कर रहा है, एरोमेटिक है वो सर, एरोमेटिक स्टेबलाइज कार्बन। डॉक्टर साहब दो चार लिखवा दें क्योंकि बेसिक्स थोड़ा सा, नहीं तो फिर वो इन लोगों को भी उलझाएगा, अभी तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। अभी जब 1515 के चलेगा तो इट्स नॉट इजी। ये तो लिख लीजिए, इसके बाद मतलब इसी में जाओ तो बीच में नोट भी कर लो, नोट करो थोड़ी बैठते। चलिए चलिए लिखिए लिखिए, थोड़ा सा लिखिए। डिसकनेक्शन डिसकनेक्शन आर कंटिन्यू विथ ईथर एमाइड्स सल्फाइड्स because the position of disconnection is again easily decided
मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा. वी डिस्कनेक्ट अ बॉन्ड ज्वाइनिंग कार्बन. We disconnect a bond joining carbon to the hetero atom X. We disconnect a bond joining carbon to the hetero atom X. That is one group disconnection. Therefore, we recognize only one functional group. It's maybe CX or CN. इसमें भी सी एक्स आर सी एम. द रिएक्शन मोस्टली फुल स्टॉप के बाद द रिएक्शन मोस्टली आयनिक. द रिएक्शन मोस्टली आयनिक एंड इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक हेट्रो एटम. The reactions are mostly ionic and involve nucleophilic hetero atoms. In alcohol you write like ROH, R laga diye sir, ROH, RNH2, that is amine. RSH thiols hota hai, ye thiols. Thiols come on. Thiols, etc. The reagent should have a good living group attached to R. R मतलब methyl, जो भी alkyl groups हैं R. On the other hand, the reagent will be alkyl halide, acid chlorides, and the best reagents undergo substitution reaction. थोड़ा सा ये हल्का सा ब्रीफ कर दिया, तो उससे क्या होगा कि कभी भूलेगा ना, तो एक नजर के हमारा हम कैसा ले रहे हैं, लाइट्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं ना, रिएजेंट्स ले रहे हैं. रिएजेंट्स मतलब क्या होता है, जो प्राइमरी कंपाउंड ले रहा, दैट इज ट्रीटेड एज ए रिएजेंट. सिंपल आर ओ एच जो फर्स्ट रिएक्शन लिखा था, तो अब इसमें क्या किया उसने, यही है सी एन ग्रुप ब्रेक हो रहा है. हेट्रो एटम को सर्च करना है आपको कि कहाँ पर हेट्रो एटम है, तो ये क्या बना, यहाँ क्या लिया होगा उसने, सी एन तो दिखा पर यहाँ लिखता नहीं है, तो क्या लिया रहा होगा, ब्रेक हो गया ना तो यहाँ, लेकिन सी एन कहाँ से आएगा, एक रिएक्शन तो हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी ना, एसिड लिया होगा, तो कैसा एसिड रहा होगा, एसिड तहसील में सी एच अलग हो जाएगा, सी एल अलग हो जाएगा, होगा ऐसा, मतलब
क्या नाम है आपका अगली मीटिंग में? समृद्धि। कभी समृद्धि देखा है कि सीएल में सीएल प्लस हो गया और सीएल माइनस हो गया, कहीं लग रहा हो कि एसिडिक रिएक्शन कराता है ये सल्फ्यूरिक एसिड, कहीं खुद से रिएक्शन करता है? वो तो एक प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन के लिए यूज करते हैं हम, है ना। सीएल तो कहीं से लिए होंगे ना, एसिड क्लोराइड से लिए होंगे, इस तरह की चीजें कहीं लिए होंगे जहां से सीएल का प्रोडक्शन हुआ होगा। और दूसरा चीज ये भी हुआ होगा कुछ ऐसा रिएजेंट लेंगे जहां से सीएल बॉन्ड ब्रेक होगा। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा, जानना चाहिए कि हमारे रिएक्शन क्या हो रहा है, कैसे हो। ये तो हम ले लिया कि यहाँ पर ये क्या किया, सीएल सीएल माइनस लगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये ब्रेक हुआ होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, क्या हो गया यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए उसने सीएल यूज कर लिया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा भी नाइट्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, तो पॉजिटिव चार्ज होगा। बॉन्ड किस साइड ब्रेक होगा, यहाँ तो पर्पज आपका सी एन दिखा के माइंड दिखा के आगे और भी एक है एफ जी आई और रिडक्शन। अब देखो एफ जी आई और रिडक्शन है तो इसका क्या पर्पज निकलेगा, एनओ टू से तो यहाँ बनता है एनएच टू, पूरे डिस्कनेक्शन में हमको रिएक्शन ऑर्गेनिक सिंथेसिस नहीं कराना है, न वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस हम लिखेंगे न कहीं मिलेगा लिखा हुआ। ये तो मैं अपने से आपसे पूछ ले रहे हैं कि क्या बनेगा, कैसा बनेगा, कैसा होना चाहिए एज ऑर्गेनिक केमिस्ट। लेकिन यहाँ तो हम बस उसके डिस्कनेक्शन पर फोकस हुए कि ये बना दिया वो बना दिया, अभी एफ जी आई लिख दिया ये फंक्शनल ग्रुप इन्वर्जन की बात कर रहा है, एफ जी आई लिख के एन एच टू के एन ओ टू करा दिया। अब ये हमें जानना है कि एन एच टू पर क्या होगा, होगा डॉक्टर एन टू प्लस माइनस हुआ होगा, दुनिया भर की आर एन जी से हुआ होगा, ये सब कहानी हुई होगी तब जाके एन एच टू एन ओ टू बना होगा, ठीक है। और एन ओ टू से एन एच टू तुरंत बन जाता, रिडक्शन किया होगा, ये बता रहा हूँ कि इतनी सिस्टम इसमें लिख दिया बस। और फिर उसी तरह सी एन नाइट्रेशन कर दिया, तो नाइट्रेशन वहां पर नाइट्रेशन करते हैं तो एन एच टू प्रोड्यूस होता है ना, नाइट्रेशन कैसे करते हैं, नाइट्रेशन किससे करते हैं, कहीं एनओ टू लगा क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा करा हो रहा है, सीएल का रिमूवल हो गया, ये सीएल का रिमूवल हो गया और रिडक्शन करके कंपाउंड निकल गया। तो ये कैटालिसिस और ये चीज हमें लर्न करनी पड़ेगी, तो दिमाग में रखना पड़ेगा मुझे क्या रिमूवल करना है, हमारा सिंथेसिस नहीं पर्पज है। अब डिस्कनेक्ट हो गया ये कंपाउंड का क्या नाम होगा, क्या बताओ भाई रिद्धि, क्या होगा नाम तो बताना ही पड़ेगा ना कंपाउंड का, ये किसका क्या नाम है, और ये डाइक्लोरोबेंजीन। और ये एनालिसिस है कि सिंथेसिस है, एनालिसिस है।
किताबों में लिखा है ऐसा होगा। ये तो आसान है क्यों? सिंथेसिस आसान होगी, लेकिन डिस्कनेक्शन में आपको याद रखना है, सिंथेसिस तो बन गया, ये तो हो जाएगा नाइट्रेशन। क्यों नाइट्रेशन हो गया? फिर रिडक्शन करा दिया और फिर ईटीयू से लगा दिया तो यहाँ से निकल जाएगा। बताए नहीं, नहीं तो कर लोगे ना, इससे निकल जाएगा यहाँ डिस्कनेक्ट। और टीए मतलब क्या है? इतना है पूरा डिस्कनेक्शन रिडक्शन। आसान है, कोई वो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो चीजें कुछ बहुत नहीं तो नहीं, लेकिन जब थोड़ा 1315 का ये सब होता है थोड़ा टिपकर होता है। जो नोट्स भी अपना नहीं लाया तो किताब उठा चले आए, हम सोचे थे कि मीट कब आएंगे। एनी वे लेकिन कोई हमें ट्रबल नहीं होगी इसमें। और ये कंपाउंड जो है सेकेंड वाला टैक्स, ये वीट किलर है, प्रोपनिल है। वीट किलर से समझ रहे हो आप लोग क्या है? घास वास में नहीं जो छिड़कते हैं सर, ये वीट किलर फर्स्ट वाला जो था, तो दोनों का बोर्ड पूछेगा एग्जाम में इसी तरह कि कैन यू डिस्कनेक्ट द वीट किलर प्रोपेनल्स, कैन यू डिस्कनेक्ट द वन ऑफ द कंपाउंड हु कैन डैमेज द, जिसे अभी तो और बताएंगे, जैसे कि पैरासीटामॉल का भी हमें पढ़ना है, वीट किलर का भी पढ़ना है, रेट वगैरह माने बहुत, मोस्टली बायोलॉजिकल जो कंपाउंड्स हैं उसका काफ़ी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इंपॉर्टेंस है, कि ये भी वही करते हैं। मैं थोड़ा बहुत अगर डिस्कशन में आपको बताऊँ तो ऑर्गेनिक मेडिसिन, मेडिसिन केमिस्ट्री से किसी का इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत, जानते हैं आप लोग? अच्छा बताओ, जैसे कोई कंपाउंड हम लेते हैं या पैरासीटामॉल लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो वो भी क्या करता है? वो भी वही करता है, अपने मालिक्यूल को, टारगेट मालिक्यूल को जाके वो बाइंडिंग करता है। तो वही इसी के लिए सिंथेसिस का, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। हम लोग जब पढ़े थे तो ये सब नहीं था, लेकिन आज की जो नई सिंथेसिस है, जितने लोग ड्रग्स पर मेडिसिन, मेडिसिन केमिस्ट्री में काम करते हैं उनमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए वो टारगेट मालिक्यूल ले रहा है, उसको डिस्कनेक्ट कर रहा है, बाद में आपने खाया या जो भी जैसे भी आप यूज किया इंजेक्शन के थ्रू, तो बॉडी में जाके क्या हुआ, और फिर उसको फिर अगर बाहर जाके तो किससे सिंथेसिस होगी, तो डिस्कनेक्ट कर रहे। जैसे आपने पैरासिटामॉल खा लिया, किसी एंजाइम की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रहा था, एंजाइम में जाके बॉन्डिंग कर दिया। तो जो थियोरेटिकल केमिस्ट्री के लोग होते हैं वो यही काम करते हैं जाके, वो पूरा उनका मॉलिक्यूलर मॉडलिंग करते हैं। पूरा हमारे एक डॉक्टर अर्पिता यादव थी, तो उनका पूरा कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में काम ही था मैडम, पूरा अपना मॉलिक्यूल लेके वो पूरा बनाती थी, और काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर उसके होते हैं प्रोग्रामिंग के, और रातों रात भर कैलकुलेशन करता रहता है और फाइनली बताता है कि ये मॉलिक्यूल ऐसा होगा, ये एंजाइम होगा, ये अमीनो एसिड्स होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो ये है थोड़ा सा इसका वो आगे थोड़ा सा लीजिए। तो मैं लिख रहा हूं कंपाउंड छोटा सा, थोड़ा करेक्शन इसमें
नाम कठिन दोबारा समृद्धि आगे सम्राट लगा दीजिए समृद्ध समृद्ध मतलब प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी तो बताओ वो पहला रकम पाउंड क्या है समझ में आ रहा है कि जितना होता है कि नहीं समझ में आ रहा है फिर से बता देंगे रिपीट करेंगे मुझे कभी पूछ सकते हैं दोबारा बनाओ क्या है यही बताओ क्या है स्टेट चेंज लिखो तो लिखा है रिएक्शन में लिखा है कि रिएक्शन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड ऑथर ही लिख रहा है नहीं मेरा ये है कि टाइटन में लिखा है तो कंपाउंड सिक्स इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल बट वी कैन रिकॉग्नाइज एन एस्टर विच एन डिस्कनेक्ट इन यूजुअल वे सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम ग्रेटली द वेरी चीप आगे उसका एक कठिन एग्जाम्पल दे दिया अच्छा ये बताओ समृद्धि इसका पहले कंपाउंड क्या था मेरे हिसाब से तो थैलिक एसिड होना चाहिए थैलिक एसिड तो ये होता है ना क्या होता है थैलिक तो यही है इसी का एक डेरिवेटिव होगा तो इसमें क्या है लगा होगा इसको निकालो दोनों निकालो सब हम ही निकालेंगे निकाली बताइए क्या होगा कंपाउंड कंपाउंड का नाम चाहिए हमें जैसे दोनों नहीं बनाओ तो डॉक्टर साहब को बता दूंगा बनाया बड़ी क्लास है इसमें क्या बनाया सर्व बनाया पेरेंट्स कंपाउंड क्या रहा और ये हैलाइड्स के ग्रुप है और वहां पर डिफरेंस कम ये क्या है ये तो क्लियर हो गया नहीं वो किसके साथ जाएगा इसके साथ जाएगा तो डिस्कनेक्ट क्या हो रहा है सीओ ये सीओ नहीं ये सी क्यों नहीं हो रहा है ये वो वही हो रहा है वही वाला होगा ये हो रहा है ये होगा तो फिर वो कंपाउंड वही कहां से बताओ सीओ सीओ ओ माइनस हो जाएगा उधर वाई की जगह ओ होगा ये तो है कॉम्प्लिकेशन सिर्फ तो करेक्ट कॉम्प्लिकेटेड है हमने जो लिखवाया उसमें क्या लिखवाया था कि क्या होगा हैलाइड्स खोजना है हमें आर एन एच टू के आर ओ सी ओ के आर ओ एक्स है वही डिस्कनेक्ट होगा स्टेबल स्टेबल के तो इसमें कोई आर्गनिक सिंथेसिस की बात ही नहीं हम लोग कर रहे हैं हमारा थीम क्या है आर एक्स को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं ना या आर सी ओ एक्स को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं दो एग्जाम्पल मैंने दिया था क्यों कुछ दिया था
एक आर एक्स कर दिया था, आर एक सीओ एक्स कर दिया था, दो ही दिया था ना, एक कार्बोनिल डेरिवेटिव का और एक आर एक्स में। इस हिसाब से इसमें क्या है, कुछ है कोई आर एक्स है कोई आपको दिख रहा है, आर एक्स आर सीओ एक्स सर, ये साइड क्लोराइड होगा और एल्काइड है ना, नहीं ब्रेक कौन सा हो रहा है कार्बन, ये कार्बन के सर ये सीओ और ओ के बीच ये कार्बन ब्रेक हो रहा है। अब ये डिस्कशन का विषय कि वो क्यों नहीं हो रहा है तो बताओ, ये तो है सीओ तो होता है, होना ही नहीं चाहिए है, हम तो उसके विपक्ष में ही है ना, नहीं पक्ष में तो पक्ष जान लेते हैं क्यों होना चाहिए, तो इसी से डिस्कशन से आएगा हम लोग क्यों बनी रहा है स्टेबलाइज, जो एक दूसरा इशू हो गया है। हम लोग जो अपने थीम पर चले हैं आर एक्स आर सी ओ एक्स यही ना हम कर रहे हैं, इसी को हम डिसकनेक्ट कर रहे हैं, सी एस को इसको कर रहे हैं या इसको कर रहे हैं, इसको हम क्या मान रहे हैं, इसको सी एक्स मान रहे हैं और इसको भी हम सी एक्स मान रहे हैं, जब क्या कीटोनिक ग्रुप लग रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट यही है और इसी फार्मूला को इसमें इंप्लीमेंट करना है कि हमारा क्या है, बताओ तुम इस पूछ रहे हैं ये क्या है, अगर इसको पूरे को R मान लिया जाए आर सी ओ और ये क्या है X O H तो ये X क्यों मैडम, आप किसे सहमत हैं, यही होना चाहिए, यही इसी तरह का रहा होगा कुछ कंपाउंड, X टू X टू क्या हो सकता है, X टू कहीं रहा कि फेनिल हो सकता है, O H हो सकता है, लिखवाया था ना मैंने कुछ हो सकता है, और ये कब और ये क्या है, ये प्रूव कर रहा है तो इस पूछ रहे हैं लड़के से, ये 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 आर सी यू को प्रूव कर रहा है या सी एक्स को प्रूव कर रहा है, आर एक्स हो रहा ना, कहाँ एक्स हो रहा है, एक्स क्या हो सकता है, एक्स को हो सकता है इधर के लिए ना, इधर हाँ कहाँ, खाली तो एक ही हुआ ना, इधर कहाँ हुआ, वो एक्स होगा कि नहीं होगा, बस एक लाइन जवाब दो, एक्स की तरह बिहेव करेगा किसे करेगा, वो इटसेल्फ में कहाँ फंक्शन ग्रुप होता है, वो किसी के साथ होता है, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप होगा, ये एस्टर होगा दोनों तरफ आर आर होगा तो एस्टर होगा, ये कंपाउंड, अब इसको देखिए इस तरह के बहुत कॉम्प्लिकेशन आएंगे, इट्स नॉट इजी, अब बताइए क्या होगा ब्रेक, तर्क चाहिए हमें, होगा तो ये एक मत विपक्ष में है और सब पक्ष में है, एनीवे चलिए इसको डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या लिखा था कभी, ये क्या है, कुछ लिखे हो इसको रिएक्शन, ये लिखा था क्या, ये क्या है थैलिक एनहाइड्राइड और ये एक कंपाउंड है, तो आप कोई जितनी भी एनालिसिस हमने किया उसमें आप देखे होंगे कि एक मतलब जो जितने भी सिंथेसिस किया उसमें एक पार्ट हम जरूर ले रहे हैं इसका, इसमें भी देखिए मैंने उठाया इसका पहले, कोई एक पार्ट हम ले लेंगे और ये हम एक अपना फॉरेन मेटेरियल जिससे हमारा ये कंपाउंड बन जाए, तो ये तो मुझे याद रखना पड़ेगा किसी हमें क्या बनेगा टारगेट मॉलिक्यूल बनेगा।